हेलो बेटा क्या क्वेश्चन है भाई अ पुली फिक्स टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर पुली फिक्स टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर कैरीज अ थ्रेड ठीक है पुली अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ एलिवेटर कैरीज अ थ्रेड जिसकी दोनों तरफ मासेज हैं एक तरफ एम वन अब क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है पुलिस स्टार्ट गोइंग अपन डब्लू नॉट यार पिछले हफ्ते करवाया था डब्लू नॉट ठीक है डब्लू हो गया और ये कह रहा है द एक्सेशन ऑफ

शेफ्ट है।, शेफ्ट है, हाँ या ना तो ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू बाय टू इज डब्लू नॉट और दो इक्वेशन हो जाएगी टी माइनस एम वन जी इज एम वन ए वन और टी माइनस एम टू जी इज एम टू ए टू ये विद रिस्पेक्ट टू शेफ्ट वाला हो गया सही है और इसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू कार कितना हो जाएगा वो हो जाएगा a1 माइनस a0 और इसकी हो जाएगी a2 माइनस a0 ये मेथड वन हो गया ये मेथड वन हो गया मेथड वन मेथड टू क्या था पुली की a मान ली पुली, पुली की a नहीं, नहीं, नहीं मानी हाँ पुली की तो a0 दी ही हुई है यार w0 दी हुई है हाँ मतलब वो जो रस्ते घूम रही है उसके आराउंड हाँ इसकी, हा, इसकी एक्सेलेरेशन w0 है और इस जो ये ये जो जा रहे हैं इसका एक्सेलरेशन मान लो ए आर ऐसे मान लो ए आर ऐसी है हाँ या ना तो इसकी हो जाएगी ए आर प्लस डब्ल्यू नॉट अपवर्ड्स और इसकी हो जाएगी ए आर नीचे और डब्लू नॉट ऊपर हाँ या ना ध्यान रखना इसमें ए वन का रोल क्या प्ले करेगा ए वन का रोल क्या प्ले करेगा ये ए वन होगा और ओमेगा नॉट माइनस ए आर ए टू होगा ये विद रिस्पेक्ट टू शेफ्ट हो गया और इक्वेशन लिख देना टी माइनस एम वन जी इज एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नॉट प्लस ए आर टी माइनस एम टू जी इज एम टू डब्लू नॉट माइनस ए आर हाँ या ना इससे क्या होगा? दो अननोन होंगे ए आर और टी ए आर और टी निकाल लेना और 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 a1 निकाल लेना w0 plus ar और a2 निकाल लेना w0 minus ar और फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग वुड बी 2t 2t हां 2t ध्यान रखना आई थिंक एचसी वर्मा में भी तो सेम क्वेश्चन था g by 10 करके जो दिया हुआ था यार क्लास में कराया था आया ना हाँ सर मुझे तो सी तो नहीं आता तो ये समझ में नहीं आया शाफ्ट का मतलब क्या बोल रहा है ये हाँ। बोलो हाँ गड़ 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 ठीक है भाई कंस्ट्रेंट के अंदर कंस्ट्रेंट के अंदर कई बार तो क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे एच सी वर्मा में था ये हमारे पास एलिवेटर है ये लेंथ एल दे दिया ये एंगल थीटा दे दिया ये या फिर आई थिंक उसने एल इसको दिया था उसने एल इसको दिया था और एलिवेटर ऊपर एक्सलरेट कर रहा था ए नॉट से यहां से एलिवेटर के रेस्पेक्ट में रेस्ट से छोड़ दिया तो यू रिलेटिव जीरो है यू रिलेटिव जीरो कहो कि एलिवेटर की उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी थी तो इसकी भी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे कितनी थी वी थी हा या ना गॉट इट अब कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी एक्सेलरेशन रिलेटिव ए रिलेटिव निकालेंगे और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एल थीटा तो हम कह देंगे एल बाय थीटा इज यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी तो टाइम ऑफ रीचिंग दैट पॉइंट वुड बी टू टाइम्स एल बाय थीटा इंटू ए रिलेटिव चलेगा सही बोल रहा हूं नहीं लक्ष्य समझ में आ गया नहीं आ गया अब ए रिलेटिव कैसे निकालें ए रिलेटिव में हम ये कह सकते हैं वेन एवर अ बॉडी मूव इन कॉन्टेक्ट विद मूविंग प्लेन इट्स रिलेटिव एक्सेलरेशन इज पैरल टू कॉन्टेक्ट सर्फेस बट द एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम इज इट सेल्फ मूविंग विद ए नॉट चलेगा हाँ oh. अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दो एक्सेलरेशन डायग्राम बना दिया ग्राउंड फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम में एम इधर लगेगा नॉर्मल इधर लगेगा ठीक है ठीक है hmm. ये एंगल हो गया थीटा ये एंगल हो गया थीटा हम ये कह देंगे एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा इज एम ए आर माइनस ए नॉट ये भी थीटा होगा ए नॉट साइन थीटा हाँ एंड एन माइनस एम जी कॉस् थीटा इज एम ए नॉट कॉस्थीटा तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस ए नॉट कॉस्थीटा अगर कोई पूछे तो वैसे कोई पूछ नहीं रहा था और ए रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस ए नॉट साइन थीटा अब ये ए रिलेटिव की वैल्यू यहां डाल देना टाइम के अंदर हाँ या ना हो जाएगा तो g प्लस ए नॉट साइन थीटा आ गया सर तो यही अभी लिफ्ट डिसेंड कर रहा होता तो g माइनस ए नॉट जी माइनस ए नॉट हो जाता ठीक है अच्छा इसमें एक और ये वाला क्वेश्चन था कि कई बार कंस्ट्रेंट के ऊपर मैंने ऐसे है मान लो इस क्वेश्चन को मैं हमेशा किससे करता था स्ट्रिंग कंस्टेंट से करता हूं है ना कि इसको ए वन ले लिया इसको ए टू ले लिया इसको ए थ्री ले लिया तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे ए वन हो गई एवरेज से भी सोच सकते थे ए टू प्लस ए थ्री बाई टू शुड बी ए वन नहीं तो रेस्ट वाले पॉइंट से डिस्टेंसेज ले लो रेस्ट वाले पॉइंट से डिस्टेंसिस ले लिया इसका ले लिया एक्स वन इसका ले लिया एक्स टू और इसका ले लिया एक्स थ्री और ये वाली लेंथ ऑफ़ रस्सी कितनी हो जाएगी ये वाली लेंथ हो जाएगी एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन इज एल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा ए टू प्लस ए थ्री माइनस टू ए वन इक्वल टू जीरो रिस्पेक्ट टू टाइम दो बार डिफरेंशिएट करा लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी होता है जो कि मेरे को हंड्रेड परसेंट श्योर है कि तुम भूल चुके होगे, रिलेटिव से आता है करना इसमें जो मैंने जो अभी ऊपर वाला तरीका किया उसमें कितने आते हैं बेटा चार टेंशन वन, ए टू ए थ्री इसमें टेंशन टेंशन टेंशन, टेंशन, टेंशन 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 टू टी तो टेंशन वन, ए टू एन आते हैं तीन तो एफ इक्वल टू एम से आएगा अब इस वाले में तरीका यह है कि इसकी एक्सेलरेशन मान लो ए वन बस इतना माना अब मैं ये कह सकता हूं पुली के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई ए वन ये पुली रेस्ट पे है इसका मतलब इसके सेंटर की एक्सेलरेशन क्या हो गई ए वन अब जो ये दूसरे वाली रस्सी है इसमें क्या मानो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मान लो ए आर ये ए आर क्या चीज है ar है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द रस्सी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ पुली चलेगा नहीं समझे मतलब इसके सेंटर पे कोई बैठ के देखे तो ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है ar से और ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है ar से प्लस द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम प्लस द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम व्हिच इज एक्चुअली a1 इसमें ऐड कर दो तो यहां पर इसकी नेट इसकी तो नेट एक्सीलरेशन a1 हो गई इसकी नेट एक्सेलरेशन ए वन माइनस ए आर हो गई इसकी नेट एक्सेलरेशन ए आर प्लस ए वन हो गई नीचे की तरफ हाँ या ना अब तुम कहोगे ये क्या हो गया इसमें एक तरीके से कंस्ट्रेंट को तुम अवॉइड कर जाओगे क्यों अवॉइड कर जाओगे अननोन कितने होंगे तीन अननोन कितने होंगे तीन एक तो ए आर अननोन होगा एक ए अननोन होगा एक टी अननोन होगा इसमें टेंशन टी होगी इसमें टी होगी इसमें टू होगी इसमें टू होगी चलेगा ठीक है तो उस बेसिकली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को तुमने अवॉइड कर दिया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को तुमने अवॉइड कर दिया इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो एचसी वर्मा ने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करे हैं उसने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाया ही नहीं है तो कभी सॉल्व क्वेश्चन तो देखे नहीं? नहीं नहीं देखे ना नहीं। <laughs> मैं मुझे पता था ठीक है तो समझ में आ गया ना हां सर अब जैसे इसी तरह का क्वेश्चन ये हो गया आई थिंक ये अनसोल्व क्वेश्चन में था कि भाई ऐसे पुली ले ली और यहां पर मास दे दिया था एम वन एम टू और ये जो बीच वाली रस्सी ने इसमें टेंशन पूछी थी और ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी ए नॉट से चलेगा हाँ. तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो गया इसकी एक्सेलरेशन मान लो ए वन इसकी मान लो ए टू ये ग्राउंड फ्रेम में मानी है इसकी माना टी टी और इसके सेंटर की हो गई ए नॉट तो एक इक्वेशन तो हो जाएगी ए वन प्लस एम टू जी इज एम टू ए टू इससे टी भी निकल जाएगा ए वन ए टू भी निकल जाएगा ए नॉट गिवन था आई थिंक जी बाई टेन गिवन थान था या जी बायर जो भी चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ए वन ए टू और टी तीनों निकल जाएंगे दूसरा तरीका करने का क्या है कि इस झंझट को अगर मैं अवॉइड कर दूं मैं कहूं ए वन ए टू द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ पुली पे बोलो हाँ और इस सेंटर की एक्सेलरेशन ए नॉट हो गई तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी ऊपर ए आर होनी चाहिए ग्राउंड फ्रेम में इसकी नीचे ए आर होनी चाहिए ग्राउंड फ्रेम में मतलब सॉरी रिलेटिव फ्रेम में रिलेटिव फ्रेम में इसकी ऊपर है यार इसकी नीचे है यार और प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम कर दिया तो ए नॉट एड कर दू तो ए नॉट एड करूंगा तो ये ए आर प्लस ए नॉट हो जाएगा ये ऊपर की तरफ ए नॉट नीचे ए आर हो जाएगा तो इक्वेशन अब क्या बन जाएगी टी माइनस एम वन जी इज एम वन ए आर प्लस ए नॉट चलेगा और इसका चाहूं तो लिख सकता हूं टी माइनस एम टू जी इज एम टू ए नॉट माइनस ए आर अब इससे फायदा क्या हुआ कि तीन अननोन की जगह दो ही हो एक अननोन एलिमिनेट हो गया तुमने ए वन ए टू और टी अननोन नहीं लिया इसनेटिव के वे हाँ तो हो गया कि कंस्ट्रेंट को अवॉइड करके कराया नहीं था मैंने ये नहीं कराया नहीं था नहीं। चलो अब करा दिया ठीक है देखो इधर हाँ देखो। ये ये ऐसे है ये वाला भी हो जाएगा ना ऐसे इसी तरीके से भाई अभी तक तो इसको कैसे करते थे चार अनलोन लेते थे एक्सेलेशन सही है ए वन ए टू ए वन ए टू ए और फिर टेंशन लेते थे टेंशन टेंशन टू टी और फिर ये भी टेंशन टेंशन पांच अनोन होते थे A1, A2, A3, A4 and टेंशन. चलेगा मासिज दियो ये एम वन एम टू एम थ्री एम फोर हाँ ना अब करने का तरीका क्या है कि इसकी एक्सेलरेशन ले लो इसकी ले लो ए आर वन इसकी ले लो ए नॉट इसकी ले लो ए आर टू इसका मतलब है इसकी एक्सेलरेशन हो गई ए नॉट ऊपर इसकी हो गई ए नॉट नीचे चलेगा और इसके रेस्पेक्ट में देखा तो इसकी हो गई ए आर वन ऊपर इसकी हो गई ए आर वन नीचे और साथ में ए नॉट एड करूंगा तो इसपे ए नॉट एड किया तो ऐसे ए नॉट और इस पे ऐड किया तो ऐसे ए नॉट तो इस एम वन वाले की इसका रिजल्टेंट हो जाएगा एम टू वाले की एक्सेलरेशन इन दो का रिजल्टेंट हो जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी नीचे ए नॉट एड करूंगा नीचे ए नॉट एड करूंगा और ए आर टू है ना तो ये ऊपर की तरफ ए आर टू और इसकी नीचे की तरफ ए आर टू तो f इक्वल टू एम चारों पे लगा देना हाँ या ना f इक्वल टू एम चारों पे लगा देना और इसमें अननोन कितने बनेंगे अननोन भी चार ही है कंस्टेंट हट गया कि नहीं हट गया कंस्टेंट हट गया दैट इज द होल पॉइंट तो मैं जो स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाते थे वो तुमने रिलेटिव एक्सेलरेशन लेके खिचड़ी पका के उसको खत्म कर दिया हाँ या ना हाँ सर